हेलो बच्चों, स्टडी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बोर्ड एग्जाम को आसान बनाने के लिए टेस्ट सीरीज थर्ड लेके आए हैं। इससे पहले भी हम दो सीरीज ला चुके हैं, जिसका लिंक हम आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं किया तो आप वहां जाके उसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इसके मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स, और इसका टाइम है 3 आवर्स। तो ये है सेक्शन ए, जिसमें आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है और अच्छे से रीड करके फिर इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ लैंग्वेज पेपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि दूसरे पेपर, तो आप लैंग्वेज पेपर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। इसलिए आप जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि पैराग्राफ कहीं से भी आ जाता है। इसीलिए आपको इसके क्वेश्चनों को कैसे अटेंड करते हैं ये आपको जरूर आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा बच्चों आपको। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स वहां क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बच्चों, हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पहले कभी भी आप अपने आंसर देने में जल्दबाजी मत कीजिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए फिर उसका आंसर दीजिए। ये सेक्शन भी ग्रामर के भी आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका ग्रामर हो जाएगा। और जहां भी और हो उसमें जो क्वेश्चन, पहले दोनों क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छे से आता हो उसी का आंसर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।